लकड़गंज पुलिस ने शुक्रवार को गंगा जमुना परिसर में एक घर में छापा मारकर एक नाबालिग लड़की को रिहा करवाया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लड़की को दीवार के पीछे छुपा कर रखा गया था। शहर का गंगा जमुना परिसर पिछले कुछ दिनों से पुलिस विभाग ने सील कर दिया है। इस पुलिस विभाग की ओर से हुए उठाए कदम के खिलाफ कई सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन भी किया। परिसर सील होने के बाद शुक्रवार को लकड़गंज पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर परिसर के एक मकान की दीवार तोड़कर एक नाबालिग लड़की को रिहा करवाया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गंगा जमुना परिसर के घरों में दीवार के पीछे खुफिया रास्ता बनाया गया है, वहाँ नाबालिग लड़कियों को रखा जाता है। 2020 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीला इथे आणलं होतं, तिला 20 लाख रुपयात विकत घेतलं गेलं होतं आणि तिच्याकडून जबरदस्तीने देहव्यापार करून तिच्या आलेल्या मिळकतीवर इतर दलाल लोक आपली उपजीविका करीत होते। परंतु ती मुलगी अल्पवयीन मुलगी या व्यवसायाकरता तयार नव्हती म्हणून एका ग्राहकाच्या मदतीने ती इथून पळून गेली, पुनश्च आपल्या गावी गेली। पण गावीसुद्धा तिची पुनश्च विक्री केल्या जात होती अशी तिला माहिती मिळाल्याने ती परत पळून नागपूरला आली आणि पोलीस स्टेशनला येऊन आम्हाला तक्रार दिली। त्या तक्रारीनुसार विविध कलमाने गुन्हा दाखल करण्यात आला। यामध्ये आम्ही आतापर्यंत 3 आरोपींना अटक केलेली आहे। अल्पवयीन मुलीस पीडित मुलीस जेव्हा आम्ही इथे आणले त्यावेळेस तिने आम्हाला सांगितले की घटनास्थळ करताना की या ठिकाणी आम्हाला लपवल्या जात होतं, ते भुयार आता बंद आहेत, आम्ही ते भुयार शोधून काढले, खोदून काढले। त्यामध्ये आम्हाला असे आढळले की खालच्या मजल्यावर जे तळघर आहे। जानकारी ये भी मिली है कि रिहा की हुई इस लड़की पर अत्याचार भी किया जाता था। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।